समाधान दिवस में डीएम का IGRS, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आदि माध्यमों से प्राप्त शिकायतों के गुणवत्तापरक निस्तारण पर सर्वाधिक जोर रहा। शनिवार को जिलाधिकारी अनुज सिंह ने नवागत पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान के साथ तहसील सिधौली में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे। फरियादियों की समस्याओं को सुना। DMSP के समक्ष 140 फरियादी पहुंचे, जिसमें से 8 को मौके पर न्याय मिल गया। उप जिलाधिकारी अनुज सिंह ने जोर देकर कहा कि शासन के मंशा के अनुरूप सभी विभागाध्यक्ष कार्रवाई करते हुए शिकायतों को तय समय में निस्तारण सुनिश्चित करें, जिससे वो डिफॉल्टर न होने पाए। उन्होंने कहा कि समस्त विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित कर ले कि शिकायतों का गुणवत्तापरक निस्तारण हो तथा शिकायतकर्ता अवश्य संतुष्ट होना चाहिए। पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों को सुनकर उनके प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। इससे पूर्व DMSP ने तहसील परिषद सिधौली से फसल बीमा योजना के प्रचार वाहन को झंडी दिखाकर रवाना किया। फसल बीमा सप्ताह का शुभारंभ करते हुए किसानों से अपील की कि वे खरीफ फसलों का 31 जुलाई 2022 तक बीमा अवश्य करा लें। योजना में छोटा प्रीमियम देकर बड़ी सुरक्षा पा सकते हैं। किसान फसल नुकसान होने पर टोल फ्री नंबर 1800-2000-5142 पर कॉल कर आपदा की स्थिति में 72 घंटों के अंदर सूचित कर सकते हैं। जनपद के ऐसे ब्लॉकों में प्रचार प्रसार करेंगे जहां अपेक्षाकृत योजना के बारे में जागरूकता कम है। तैयार किए गए रोड मैप के अनुसार प्रचार वाहन गांव गली मोहल्ले 10 जुलाई 2022 तक प्रचार प्रसार करते हुए योजना के विषय में जागरूकता फैलाने के साथ ही फसल बीमा योजना से संबंधित कृषकों की शंका का समाधान भी करेगी। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जनपद के 2851 किसानों को 171.11 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराई गई है। इस मौके पर DDO राकेश कुमार पांडे, SDM अजय कुमार सिंह, CO यादवेंद्र यादव, तहसीलदार RP सिंह, नायब तहसीलदार रुचि गौतम, DFO ब्रजमोहन शुक्ला, CHC अधीक्षक डॉक्टर RK वर्मा, EO सर्वेश शुक्ला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। संपूर्ण समाधान के बाद जिलाधिकारी अनुज सिंह आई इंडिया से क्या बोले, आप भी सुने। किन किन विभागों की आपकी शिकायतें आई, कितनी आई हैं? देखिए, जो समस्याएं हैं, कुछ समस्याएं इसमें ज़मीन पे कब्जे से संबंधित है। कुछ लोगों को अपने राशन कार्ड में नाम बढ़ाने से संबंधित था। 1-2 गांव में छुट्टा पशुओं की भी समस्या लोगों ने बताई है। यहाँ पे सभी विभाग के लोग थे, सभी को अच्छा निस्तारण करने के लिए अवगत करा दिया गया है। पिछले 2 महीनों से हमारे जनपद का IGRS और जनसंवाद प्रणाली में अच्छे रैंक में हम रहे हैं। पिछले महीने पूरे प्रदेश में 6ठे पे थे और उसके पहले 5वें पे थे और मैं आशा करता हूँ कि धीरे धीरे IGRS और जनसंवाद में हमारा जनपद अच्छा करे। सर, अधिकारी को क्या आश्वासन दिया संबंधित? देखिए, इसमें हमारा सबसे बड़ा जो जोर रहता है वो ये रहता है कि मौके पर जाके निस्तारण हो। कुछ समस्याओं का निस्तारण होता है, कुछ का निस्तारण योग्य नहीं होता है, लेकिन मौके पे जाके समस्या को अच्छे से समझना और उसका अगर यथासंभव जो भी निस्तारण उसका बिल्कुल प्राथमिकता पे किया जाना। संपूर्ण समाधान दिवस के बाद डीएम और SP ने कमलापुर थाने का संयुक्त निरीक्षण किया। आवश्यक निर्देश देने के बाद उन्होंने हाईवे स्थित दाऊदपुर पौधशाला में पौधों की गुणवत्ता देखी और पौधरोपण किया। इससे पहले जिलाधिकारी अनुज सिंह एवं पुलिस अधीक्षक घुले सुशील चंद्रभान ने RBS B सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर का निरीक्षण किया। यह निरीक्षण जनपद में 6 जुलाई 2022 को 2 पालियों में होने वाली BED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की तैयारियों के संबंध में विद्यालय के प्रधानाचार्य साकिब जमाल अंसारी ने उक्त प्रवेश परीक्षा की तैयारियों की जानकारी दी और बताया कि आवंटित 700 अभ्यर्थियों एवं 2 ब्लॉक A एवं B में बांटा हुआ है। RBSB सिंह इंटर कॉलेज कमलापुर सीतापुर जनपद का सबसे बड़ा केंद्र है। केंद्र पर 30 कैमरे परीक्षा में लगे हैं। सभी कैमरे स्ट्रांग रूम एवं सभी कार्यालय कक्ष CCTV कैमरों एवं वॉइस रिकॉर्डर युक्त हैं एवं ऑनलाइन वेबकास्टिंग द्वारा कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार जनपद की अन्य तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित हुआ तहसील महमूदाबाद में प्राप्त 98 प्रार्थना पत्रों में से 6, तहसील लहरपुर में प्राप्त 36 प्रार्थना पत्रों में से 3, तहसील महोली में प्राप्त 40 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील मिश्रिक में प्राप्त 25 प्रार्थना पत्रों में से 3, तहसील सदर में प्राप्त 75 प्रार्थना पत्रों में से 4, तहसील बिस्वा में प्राप्त 84 प्रार्थना पत्रों में से 3 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष बची हुई शिकायतों को पृष्ठांकित कर निर्धारित समयावधि के अंतर संबंधित अधिकारी को निस्तारित करने के निर्देश दिए। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।